हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने किचन एरिया में लेके आई हूँ और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें यूज़ की हैं अपने किचन सिंक एरिया में, जिससे किचन का जो सिंक एरिया है वो थोड़ा नीट एंड क्लीन भी रहता है और हमारा जो काम है किचन में वो भी थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मेरे इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। ये सिंक स्टेनर है, आई थिंक सबके किचन में ये होना चाहिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आपके सिंक में रहेगा तो आपके सिंक के नीचे जो पाइप होती है वो ब्लॉकेज नहीं होगी। आपने देखा होगा कि आपके घर में जितने भी छोटे मोटे कचरे हैं वो सिंक में इजीली निकल जाते हैं, तो वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए हमें इस टाइप का स्ट्रेनर यूज़ करना चाहिए अपने सिंक में। मुझे इस स्ट्रेनर को यूज़ करते हुए 2 साल हो गए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, कहीं भी इसमें जंग नहीं आया है, कहीं भी ख़राब नहीं हुआ है। और इसे मैं डेली धोती हूँ, जिस तरीके से हम बर्तन धोते हैं उसी तरीके से आप इसे डेली क्लीन कीजिए तो इसमें दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। तो स्ट्रेनर कई तरीके के होते हैं पर मुझे अपने किचन में ये बेस्ट लगा। मैंने 2-3 स्ट्रेनर यूज़ किया है और इसके बाद ही मुझे लगा कि ये बेस्ट स्ट्रेनर है। अभी तक मैंने स्टेनलेस स्टील का एक फुल्ली कवर्ड नेट लिया था तो वो अच्छा नहीं काम किया क्योंकि उसमें जंग जल्दी लग गया और वो टूटने लग गया। स्पेशली प्लास्टिक वाले तो और ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो कुछ टाइम के बाद उसके सारे जो थ्रेड्स हैं वो टूटने लगते हैं। तो बेस्ट होगा आप इस क्वालिटी का ही स्टेनलेस स्टील लें। तो ये स्ट्रेनर डिफरेंट साइज़ के भी मिलते हैं, आप चाहो तो मार्केट में इसको ढूंढ सकते हो। और अगर आपको ये वाला स्टेनलेस स्टील जो मैं दिखा रही हूँ ये आपको चाहिए तो मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो। नाउ अनदर प्रोडक्ट इज सोप डिस्पेंसर विच आई रियली लाइक दिस। दिस इज़ अ फंटास्टिक थिंग। ये मेरे किचन की शोभा और बढ़ा देता है क्योंकि पहले मैं ये हार्ड सोप यूज़ करती थी विच एक्चुअली नॉट गुड फॉर द यूटेंसिल्स, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहा क्योंकि इसमें बर्तन अच्छे से साफ भी हो जाते हैं और बहुत ईजी है। इसमें आप लिक्विड डालिए, अपना जो भी आपका डिश वॉशर लिक्विड है उसको आप इस कंटेनर में डालिए और इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो इसमें जो भी आप स्पंज से आप साफ करते हो वो डायरेक्टली एब्जॉर्व कर लेता है। और इसके टॉप पे आप स्पंज रख सकते हैं, यानी जो भी स्क्रब है आपका उसके ऊपर रखिए। ईजी टू हैंडी प्रोडक्ट है, मैंने ऑनलाइन लिया था तो आप भी इसको अगर चाहते हैं तो ये मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाउ सी द अनदर प्रोडक्ट विच इज अ किचन सिंक फॉसेट। इट्स रियली अमेजिंग प्रोडक्ट गाइस, क्योंकि मुझे इसका यूज बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं नल खोलती थी तो पानी इधर उधर बहुत फैलते थे और स्पेशली मेरे कपड़े काफ़ी गीले हो जाते थे। और अभी इससे ये हो गया है कि बर्तन में पानी एकदम स्ट्रेट नहीं गिरता है और ये थोड़ा फैला होकर गिरता है, तो वो ज़्यादा इजी हो गया। तो आप देखिए ये रबर का होता है और ये इजीली आपके टैप में फिक्स हो जाता है। इसमें एडजस्टर भी होता है जिससे आप पानी को लेवल जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो, तो इसको हम इजीली अपने टैप में लगा सकते हैं। तो मेरे नल में काफ़ी इजीली लग जाता है, देखिए इस तरीके से। और पानी देखिए 2 तरीके से आ सकता है, ऐसे भी आप लगा सकते हो और चाहो तो ऐसे भी। तो इससे सबसे अच्छी बात यह है कि पानी आपका कम गिरता है और आपका पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है। मार्केट में बहुत तरीके के फॉसेट्स मिलते हैं तो इसमें ये 2 तरीके के जो मैंने यूज़ किए पर वो मेरा एक्सपीरियंस इसमें अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो अक्सर टूट जाते हैं या ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। बट मुझे ये रबर वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसमें। नाउ अनदर थिंग, अ स्मॉल बॉक्स वी शुड ऑलवेज कीप नियर टू द सिंक। ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये छोटा बॉक्स के साथ में आपको ऊपर एक कैप भी लगाना चाहिए जो कवर्ड हो फुल्ली, तो ये यूजफुल तब हो जाता है जब हमारा किचन फैला हुआ रहता है और उसमें जब छोटे मोटे जो भी आपके लीफी वेजिटेबल्स बचे हुए रहते हैं वो अक्सर पड़े रहते हैं किचन में और वहीं से कॉकरोच और हाउस फ्लाइज उड़ती है, मतलब मक्खियाँ उड़ती हैं, जिससे किचन काफ़ी गंदा और अनहाइजेनिक हो जाता है। तो बेस्ट वे है आप एक छोटा सा डस्टबिन या छोटा सा बॉक्स रखिए जिसमें आप ये सारे कचरे डाल सकते हैं और फिर जब ये भर जाएं तो आप इनको एक बड़े से डस्टबिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में पॉलीथिन यूज़ करते हैं, उसमें सारे कचरे डालते हैं और उसके बाद एक साथ वो सारे बड़े डस्टबिन में डालते हैं। दैट इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग बिकॉज अगेन हम पॉलीथिन यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो जब मेरा वेट गार्बेज भर जाता है छोटे से बॉक्स में तो मैं इसको बड़े वाले डस्टबिन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अक्सर पेपर नीचे बिछाती हूँ ताकि वो जो गार्बेज है वो इजिली इसमें आ जाए और वो हमारे डस्टबिन को गंदा ना करे। इसके अलावा अगर आप पेपर यूज़ करते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, इसलिए मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें और इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ होना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।